अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलहा शहजादपुरी। आई एम दी फाउंडर एंड सी ऑफ़ दी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट एंड बिल्डर्स। आज की वीडियो जो है वो मेरी भेरी टाउन कराची 125 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स के हवाले से है, और जो प्रीसेंट हमने डिस्कस करना है वो प्रीसेंट 15B है भेरी टाउन कराची का, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। 125 स्क्वायर यार्ड्स का ये प्रीसेंट है, और इसकी अगर मैं बात करूँ डायमेंशन की तो 25x45 की इनकी डायमेंशन होती है प्लॉट्स की, 125 स्क्वायर यार्ड्स बनता है ये बेसिकली। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले आज हम बेसिकली इसकी लोकेशन की बात करेंगे, इसके करंट रेट्स की बात करेंगे, और यहाँ पर कितनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है इसके हवाले से बात करेंगे, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और क्या अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है भेरी टाउन कराची में, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अभी सेफ़ है या नहीं है, सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रीसेंट 15B की लोकेशन की, तो लोकेशन कुछ इस तरह की है कि समझ लीजिएगा कि आप जैसे ही भेरी टाउन कराची के मेन गेट से एंटर होते हैं तो थीम पार्क आता है, थीम पार्क क्रॉस करते साथ ही आपके पास जो है वो ग्रैंड जामा मस्जिद, जो कि बड़ी मस्जिद है, वो आ जाती है। वहाँ से आप समझ लें कि तकरीबन आधे एक किलोमीटर के फासले पे, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के फासले पे प्रीसेंट 15B जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्रीसेंट 14 और 15 जो है वो मेन जिनाब के ऊपर है, इसके साथ राइट हैंड साइड पे 14 और 15 के बैक साइड पे बेसिकली 15A है, और 15A के बिल्कुल साथ ही आपके पास 15B की लोकेशन है। भेरी टाउन कराची के मेन गेट से अगर मैं किलोमीटर्स में इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो तकरीबन कोई आप कह लें कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर है ये प्रीसेंट 15B। 15B एक ऐसा प्रीसेंट है जो कि 17,25,000 में भेरी टाउन कराची ने लॉन्च किया था इंस्टॉलमेंट्स की सूरत पे, और बैलेटिंग के थ्रू जो है लोगों को 15B के अंदर जो है वो भेरिया ने नंबर्स अलॉट किए थे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इनके करंट रेट्स की, तो करंट रेट्स कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे मिनिमम जो रेट है वो तकरीबन 32-34 लाख रुपए है, 32 लाख रुपीज़ से 34 लाख रुपीज़। जबकि अगर मैं मैक्सिमम रेट की बात कर लूँ तो मैक्सिमम रेट यहाँ पे तकरीबन 48 लाख रुपए के करीब है। तो लोकेशन इसकी हमने डिस्कस कर ली, इसके करंट रेट्स को डिस्कस कर लिया। पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है, पोजीशन अवेलेबल होने से मुराद ये है कि आप यहाँ पे अपना घर जो है उसकी तामीरात करवा सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं। चूँकि इसका पोजीशन अभी तकरीबन 6 से 8 महीने पहले मिला है, तो यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भेरी टाउन कराची ने अलाउ कर दी है, और लोग जो है वो यकीनन अपने अपने घर भी बनाना शुरू कर देंगे नियरली। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं पीसन 15A की, तो 15A में जो है वो बहुत से जो है वो मकानात जो है वो जो घर हैं, जो विलाज हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं प्राइवेट लोगों की तरफ से, जो है वो उन्होंने अपने अपने जो घर हैं उनकी तामीरात का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, 15B के जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तकरीबन 2200-2300 के करीब इनकी क्वांटिटी है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, परचेजिंग अभी इस टाइम पे कर सकते हैं। परचेजिंग इस टाइम पे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे राइट टाइम है परचेज़ करने का, चाहे आप भेरी टाउन कराची में इन्वेस्ट करें, तीसरा टाउन में इन्वेस्ट करें, DHS सिटी में इन्वेस्ट करें, या स्कीम 33 स्कीम 45 की किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, अभी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं। उसकी वजह यही है कि अभी रेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, और इस टाइम पे ही परचेसिंग करना बनता है। ये गोल्डन जो है ये दौर गुजर रहा है परचेसिंग के लिए, उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छा साबित होता
दिखाई देगा इन नियर फ्यूचर, जब आपके थोड़ी सी आप कह लें कि स्टेबिलिटी की तरफ आपका मुल्क जाएगा, सारे मामलात बेहतर होंगे। तो अभी इस टाइम पे जो चीज़ डाउन है वहाँ पे परचेजिंग करना बनता है और सेलिंग करना नहीं बनता। ये बात याद रहे कि मैं जुमला अपना एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस टाइम पे सेलिंग नहीं बनती, बाइंग बनती है। तो मेरा मशवरा उन लोगों के लिए, मेरे इन्वेस्टर्स जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो कमेंट सेक्शन पे मुझसे सवालात पूछते हैं, उन सब के लिए एक ये पैगाम है, वाज़े पैगाम कि परचेजिंग आप कर सकते हैं बैरी टाउन कराची, तेसर टाउन, DHS सिटी, स्कीम 33, स्कीम 45 या कहीं पर भी जो आपके लिए सूटेबल हो, जो जगह सूटेबल हो रिहाइश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी तर्ज पे आपने इस्तेमाल करना हो उसको, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो आज की वीडियो मेरी पीसन 15B के हवाले से थी, वेरी डाउन कराची पीसन 15B को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसके बारे में बात की, इसकी लोकेशन, इसके रेट्स, इसकी इसके कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से आज हमने बात की। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर हूँगा। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।